So hello friends, once again back my channel Ashoka English Study. As you know guys, every day we learn an advanced English structure, but today we are going to learn some vocabulary. These vocabularies are very important for our examination of coming days. So let's understand friends this vocabulary. तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं ये वोकैबुलरी को, ये जो जो भी वर्ड है ये वर्ड्स को समझेंगे और ये वर्ड को याद करने का भी टिप्स और ट्रिक देंगे. तो फ्रेंड्स आइए फ्रेंड्स, अगर न्यू व्यूअर होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा. तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड की बात करेंगे फ्रेंड्स तो कार्प, ठीक है. कार्प है, सिमी है, एग्जास्परेट है, डिटेंशन है, डेयर है, ट्रांजिएंट है, रामसेकल है, पुनिटिव है, एमनेशिया है, एट्रोसिटी है. सो इन सारे वर्ड्स को एक ट्रिक के माध्यम से इन सारे वर्ड्स याद करवाएंगे और याद हो जाएगा हम लोगों को. तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं सबसे पहले कार्प. फ्रेंड्स कार्प, कार्प में क्या होता है फ्रेंड्स, कार्प से याद करेंगे कार्प. यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स ये याद करेंगे, जैसे कार्प, कार से होता है जो कार है, बेचने वाला जो कार है, चलाने वाला जो गाड़ी होता है वो है मीन्स कार. सो कार्प, कार कार्प, कार कार्प. सो फ्रेंड्स कार्प से याद करेंगे कार्प. कार्प में बैठकर मीन्स कार्प में बैठकर एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं मीन्स आलोचना करते हैं, कंप्लेन करते हैं. सो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग याद करेंगे से कार्प में मीन्स कार्प, कार्प में बैठकर उसने अपने नौकरों को कार्प कर रहा है, अपने नौकरों को शिकायत कर रहा है. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है सिमी. फ्रेंड्स सिमी वर्ड, सो यहाँ से सिमी, सिमी मीन्स सी, सी मीन्स समुद्र और मी, सिमी मीन्स समुद्र मीन्स सी में क्या फ्रेंड्स, सी में गंदे चीजों को फेंकना, कूड़े कचड़े को फेंकना ये करप्ट कार्य होता है मीन्स अनैतिक कार्य होता है. तो फ्रेंड्स सी में फेंकना, सी में गंदे चीजों को फेंकना वो अनैतिक कार्य है मीन्स वो करप्ट कार्य है. नेक्स्ट है फ्रेंड्स एग्जास्परेट. एग्जास्परेट को याद करेंगे फ्रेंड्स एग्जास्ट, एग्जास्परेट को एग्जास्ट, एग्जास्ट मतलब ठीक अभी. सो एग्जास्परेट मीन्स एग्जास्ट फैन खरीदने गया, एग्जास्ट मीन्स फेन तुरंत, अभी गर्मी का सीजन है, गर्मी का मौसम है, गर्मी लग रहा है तो हम क्या किया एग्जास्ट मीन्स तुरंत, एग्जास्ट मीन्स तुरंत गए फैन खरीदने, लेकिन दुकानदारों ने ऐसा फैन का दाम बताया जिसे हमको गुस्सा आ गया. तो फ्रेंड्स ऐसे याद करेंगे एग्जास्ट फ्रेंड्स, एग्जास्ट फ्रेंड मीन्स एग्जास्ट तुरंत मीन्स एग्जास्ट फैन खरीदने गया, दुकानदारों ने ऐसा दाम बताया जिसे हमको गुस्सा आ गया मीन्स वो गुस्सा मुझे दिला दिया. तो फ्रेंड्स एग्जास्परेट को प्रोवोक करना मीन्स गुस्सा दिलाना, गुस्सा करना इस तरीके से. फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है डिटेंशन. फ्रेंड्स डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब होता है कैद मीन्स हिरासत में लेना. फ्रेंड्स डिटेंशन, टेंशन अगर हमको दोगे तो मैं तुम्हें डिटेंशन कर लूंगा मीन्स टेंशन हमें दोगे तो मैं तुम्हें डिटेंशन कर लूंगा, तो ऐसे हम कर सकते हैं मीन्स आपको हिरासत में ले लेंगे, आपको कैद कर लेंगे. फ्रेंड्स नेक्स्ट है डेयर. सो डेयर फ्रेंड्स, डेयर का मतलब अत्यंत दुखी होता है मीन्स अत्यंत भयानक घटनाएं बोल सकते हैं. सो डेयर से टायर से याद करेंगे डेयर टायर, डेयर टायर मीन्स टायर फटने से, टायर फटने से डेयर हो जाता है मीन्स एक भयानक घटना हो जाता है, डेयर हो जाता है मीन्स अत्यंत मीन्स डेयर ट्रबल हो जाता है, समस्या आ जाता है, तो ऐसे याद करें. फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है यहाँ फ्रेंड्स ट्रांजिएंट. फ्रेंड्स ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है फ्रेंड्स टेम्पररी मीन्स क्षणिक, ट्रांजिएंट का मतलब टेम्पररी मीन्स क्षणिक, कुछ पल के लिए. फ्रेंड्स यहाँ से याद करेंगे ट्रेन और यहाँ से जेल, ट्रांजिएंट. फ्रेंड्स ट्रेन में, फ्रेंड्स ट्रेन में ट्रेवल करना, ट्रेन में ट्रेवल करना एक क्षणिक शोक होता है मीन्स एक टेम्पररी विश होता है मीन्स टेम्पररी चाहत होता है, ठीक है फ्रेंड्स मीन्स क्षणिक बोलेंगे टेम्पररी. फ्रेंड्स नेक्स्ट है सेवन वर्ड में देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स राम सकल, राम सकल. फ्रेंड्स राम सकल, राम सकल का मतलब होता है फ्रेंड्स घिसा पीटा मीन्स पुराना. तो राम का साइकिल जो है ना
क्या हो गया, राम साइकिल हो गया, राम का साइकिल हो गया, मीन्स उसका साइकिल पूरा घिसा पिटा पुराना हो गया, जर्जर हो गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, यहाँ एट वर्ड में देखेंगे पुनिटिव। फ्रेंड्स पुनिटिव को याद करने के लिए आपको पता है पुनित से याद करेंगे, पुनिटिव पुनित मीन्स पुनित को पुनिटिव दिया गया, पुनित को पुनिटिव दिया गया, तो इस तरीके से याद मीन्स दंड दिया गया, दंडात्मक होता है दंड दिया गया। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एमनेसिया। एमनेसिया एक भूलने का बीमारी को बोलते हैं एमनेसिया। एमनेसिया मीन्स भूलने का बीमारी, एमनेसिया फ्रेंड्स एमनेसिया। तो एमनेसिया जो है इसको एमनेसिया से याद कर लीजिएगा, भूलने का बीमारी को बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार फ्रेंड्स, अत्याचार। एट्रोसिटी का मतलब अत्याचार। तो देखेंगे फ्रेंड्स अत्याचार जो होता है कहाँ होता है, मेट्रो सिटी। मेट्रो क्या होता है फ्रेंड्स, मेट्रो सिटी मीन्स नगर में, बड़े बड़े नगरों में क्या होता है अत्याचार बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे याद करेंगे कि मेट्रो सिटी मतलब यहाँ पे मेट्रो सिटी में एट्रोसिटी होता है, मेट्रो सिटी में एट्रोसिटी होता है मीन्स एट्रो अत्याचार होता है। तो इन सारे वर्ड्स को आपको पता होगा, अच्छे से आपको याद भी हो गया होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करे, और न्यू हो रहे तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें। इसमें कोई शक के बात नहीं, कोई डाउट नहीं करना, आपका अंग्रेजी धीरे धीरे मजबूत होते चलेगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अंग्रेजी में। यहाँ पे अंग्रेजी जो है बहुत आसान तरीके से, आसान ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, फिर नेक्स्ट मिलते हैं एक नए स्ट्रक्चर के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय गाइस, थैंक यू।